सो दोस्तों, आज मैं हूँ फूड मार्केट। मेरे होटल से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है ये फूड मार्केट। आज संडे भी है तो अच्छा खासा रश है। बस यहाँ मैं आ गया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और आप लोगों के लिए कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाए। तो देखो यार, लोग यहाँ के ना बहुत हाइजेनिक हैं, बहुत कैप कूप लगा के, ग्लव्स लगा के, देखो मतलब यहाँ तैयारी करते हैं। और इज्जत देखो, कार्ड दिया इज्जत से। ये देखो फायरी सब कुछ, मतलब यहाँ का खाने का मज़ा कुछ और ही है। कि मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मैं यहाँ इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाया। अब ठीक है, मैं देख देख के मैंने खूब मज़े लिए हैं। ये क्या कुछ क्रशा कर रहा है, क्या इनको पता नहीं कर रहा है। ओ भाई, ये तो आग लगा रहा है। मैं यहाँ पे भी मतलब ये देखो अलग ही तरीका है। ये छोटा सा गैस का बाटला लिया और उसके बर्नर से उसको, ये देखो। और ये चीज़ बकायदा है रिकॉर्डिंग करने की। लोग काफ़ी लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, लाइन लगी है, टोकन सिस्टम है यहाँ पे भी। ये एक्चुअली कोविड की जस्ट बाद का सीन है, तो मतलब लोग यहाँ इंजॉय चिल कर रहे हैं। तो बस क्योंकि आज मेरा यहाँ पे जेजू में लास्ट डे है और कल सुबह निकलना है, तो बस टाइम पास चल रहा है। अरे जेजू में आपको वेज ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगे। लिमिटेड क्या मतलब, वेज ऑप्शन के नाम पे आपको सिर्फ कुछ पत्ती वाली चीज़ें ही मिलेगी यहाँ पे, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। एटलीस्ट जेजू में तो आपको बहुत प्रॉब्लम है अगर आप प्योर वेज हैं। आपको सियोल के अंदर ज़रूर कुछ, जैसे बताया था मैंने, नेपाली रेस्टोरेंट या कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको वहाँ पेट भरना कुछ मिल जाएगा। जेजू में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जेजू कॉस्टली भी बहुत है और थोड़ा सा आइसोलेटेड है, तो लिमिटेड आपके पास चॉइस रहेगी। तो इस ऑलवेज़ बेटर आप अपने घर से कुछ चखना वखना लेके जाओ, ताकि आप मंचिंग करते रहो, तो आपके फूड पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जूस अच्छे हैं यहाँ पे, यहाँ के फ्रूट्स अच्छे हैं, बट यार खाने की कमी खाने से पूरी होती है ना, तो वो वाला इशू है। अब हालांकि ये चीज़ें सब दिखने में अच्छी लग रही हैं कि बड़ा ये इनोवेटिव सा, ये देखो बड़ा ये ड्रामे कर रहा है, लेकिन यू नो खाते नहीं हो ना, तो आपके लिए चीज़ें कोई टेस्टलेस हैं। जैसा कि मैंने यहाँ तक घंटा दो घंटा स्पेंड किया है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिया, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया मैं क्या लूँ। तो ठीक है, बस रिकॉर्डिंग करने तो आ गया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो कि क्या है, सी फूड है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ के लोग जरूर मज़े ले रहे हैं, बियर पी रहे हैं, फैमिली के साथ में फ़ोन कर रहे हैं। ये भाई लाइन देखो आप, मतलब ऐसे लाइन में लगे हैं जैसे यहाँ कोई भंडारा चल रहा हो, और टोकन सिस्टम है अपने का। ये लाइन देखो, मतलब यहाँ के लोगों में ना, मतलब इनके ब्लड के अंदर है क्यों लगाना, लाइन लगाना। जब मैं एयरपोर्ट आया था तभी इन लोगों ने बिना के लाइन लगा ली, लंबी लंबी लाइन लग गई थी। ये हर चीज़ मतलब लाइन अपने आप, यहाँ कहने की नहीं है लाइन लगाओ लाइन लगाओ, ये लोग अपना लाइन लग जाते हैं। अब यार यहाँ पर क्या, मुझे ऑलमोस्ट जो म्यूज़िक है म्यूट करना पड़ेगा, काफ़ी लाउड म्यूज़िक है। और यूट्यूब का पता ही है, कॉपीराइट क्लेम तो ऐसे बांटते हैं जैसे मंदिर के बाद प्रसाद बांट रहा हूँ। तो भैया म्यूज़िक बंद कर रहा हूँ, वॉइस ओवर से बैकग्राउंड म्यूजिक से काम चलाओ, और आवाज़ यहाँ नहीं मिलने वाली। खैर ये मार्केट मेरा हो चुका है और अब बस वापस जाने लग रहा हूँ। मैं इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गया और बस रोड क्रॉस करके अगली गली में ही मेरा होटल हुआ है, तो बस देख लो।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।